भैया आप भी आइए, थोड़ा सा बहुत बढ़िया भैया आप भी आइए। इम्पोर्टेंट फैक्टर, आप लोग मेरा सहयोग अवश्य करिए, बस आप लोगों से निवेदन यही है। ठीक है सर, ठीक ठीक है। खड़ा होना है, बैठे रहे हम लोग, बाइक ले लिए ना। इस वक्त मिर्जापुर के कोर्ट में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव अपने पूरे सभा पर देखा जा रहा है। इलाहाबाद से चल के जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर में क्या अपेक्षा करती हैं और लोग इनको वोट क्यों देंगे। मैडम आप बताएं कि आप इलाहाबाद से आई हैं तो किस पद के लिए खड़ी हैं? हम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में मेंबर के पद के लिए, सदस्य पद के लिए खड़े हैं और हम यहाँ चाहते हैं कि जो हमारे अधिवक्ताओं को मेडिकल एक्सपेंस की जो ज़रूरत होती है सुविधाओं की, वो उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। जैसे हमारे अधिवक्ता कभी बीमार हो जाते हैं तो उनके पास कोई मेडिक्लेम हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, बार काउंसिल की तरफ से, तो उनको वो सारी चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। और जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे बैठने की जगह है, आरओ का पानी है, शौचालय है, ये सारी चीज़ें यहाँ मुझे कमियाँ दिखाई दे रही हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा किया जा सके। इतना सारी व्यवस्था आप एक बार में कर पाएंगे, ये हो पाएगा, ये बजट की व्यवस्था होती जी, है जी बिल्कुल, वहाँ पे प्रॉपर बजट रहता है, बस प्लानिंग की ज़रूरत है हमको। अच्छा, एज ए महिला आपको कितना चुनौती करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है मिर्जापुर में आके? है ऐसा सहयोग मिल रहा है, लोगों का ये कहना है कि आप आएंगी तो हमारे लिए कुछ कर पाएंगी, इसलिए हम आपको चुनना चाहते हैं। लोगों का ऐसा रुझान दिख रहा है और हम चाहते हैं कि जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि कोर्ट में हम कैसे अपीयर हों और कोर्ट के काम को कैसे कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि अंबिका श्रीवास्तव मिर्जापुर में ये पूरी आशा अपेक्षा के साथ मैदान में उतरी हैं कि हमको यहाँ से लोग कितना सपोर्ट मिलता है। फिलहाल सदस्य ये बनती हैं कि नहीं ये बात का निर्णय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल मिर्जापुर में भारी समर्थन के साथ अंबिका को लोग हाथों हाथ लेते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सर।